नमस्कार दोस्तों। तो आइए, आप लोग जो है इंतजार कर रहे होंगे न्यूमेरिकल साधारण व्यास से संबंधित, तो आइए हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों के लिए लिया, वह ब्याज के रूप में कितना राशि भुगतान करेगा। ठीक है, तो ब्याज पूछा जा रहा है, तो I बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक है, तो इसमें 5,000 रुपया मूलधन है, R दिया है 10, समय दिया है 2 वर्ष/100। ठीक है, तो ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 500 × 1000 यानी कितना ब्याज के रूप में होगा, 1000। तो ये 1000 सही है, क्लियर है। तो आइए अब अगला नंबर हम देखेंगे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि 400 रुपया मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपया होगी। ठीक है, तो लगाइए आप लोग। चलिए आइए देखा जाए कि 400 रुपये का मूलधन पर कितने वर्षों में 5% टी पूछ रहा है, ब्याज दिया है I 100 रुपया है, तो I बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100 से, यहाँ पर I के स्थान पर 100 रखेंगे, P के जगह पर 400 और R के जगह पे 5 × T/100। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 4 5 20 20 5 100, तो T बराबर हो जाएगा 100/20 यानी 20 × 5 100, तो 5%। ठीक है, अगला आप देखिए, वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा। तो देखेंगे कि 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा, यानी आई दिया है 1200, तो 1200 बराबर, ठीक है, पी इंटू आर दिया है 20% और टी दिया है 3 वर्ष अपान 100, तो पी बराबर हो जाएगा 1200 × 100/20 × 3, ये 20 और 3 नीचे आ जाएगा, तो 0 0 कैंसिल जाएगा, 2 3 6 6 × 12 20, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, क्लियर। इसमें कौन सा सही होगा, 2000 सही होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन, आइए अगला देखा जाए। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपया साधारण ब्याज के रूप में देना होगा, 2 वर्षों में 240 रुपया, तो यहाँ पर I दिया है 240 और P दिया है मूलधन 1200 और टी दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर हमें पता है कि I बराबर P इंटू R इंटू T अपान क्या 100, इसी में रख दिया जाए, I के स्थान पर 240, मूलधन हो गया 1200, R हो गया, R ज्ञात करना है और T हो गया 2 अपान 100, 2 0 कैंसिल हो गया, तो R बराबर 240 × 12 × 24 कट जाएगा, तो 10 यानी कितना आया, 10%, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। ठीक है,
चलिए आगे देखा जाए, पांचवा नंबर देखिए, एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय के समाप्ति पर 3400 रुपया वापस करता है, तो वह धनराशि क्या? 3400 रुपया वापस, यानी जो मिश्र धन है ए, वो 3400 रुपया है, ठीक है। और ये टी दिया है कितना? 3 वर्ष दिया है। और दर कितना दिया है? 12% दिया है। तो हम देखेंगे कि ए बराबर होता है पी प्लस आई, और आई का मान पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो पी तो हमें पता नहीं है, ये पता है कि ये 3400 है, तो 3400 और पी प्लस पी इंटू आर, आर का मान दिया है 12, टी दिया है 3/100। तो अब ये 4 से 4 3 12 और ये 25, तो 25 और 9 34 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 34 पी/25, तो पी बराबर हो जाएगा 3400, पी बराबर हो जाएगा 3400 × 25/34, 34 से कट जाएगा तो आएगा कितना? तो 2500। कितना आया? 2500। तो मूलधन हो गया 2500। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो पता है कि n-1 = r(t/100), ये फार्मूला है। अब n-1, तो n कितना गुना हो जाता है? 3 गुना, तो 3-1 r(t), तो 10 वर्षों में, तो यहाँ पर 100, तो R बराबर जाएगा ये 2, तो 10 × 20, यानी R का मान कितना आ गया? 20%, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा होगा, क्लियर है। आइए अगला देखा जाए, कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज वार्षिक दर क्या है? साधारण ब्याज का वार्षिक दर क्या है? तो n-1 = r(t/100), हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 9 गुना, तो 9-1 = r, r नहीं पता है, t पता है 12 वर्ष / 100, तो r बराबर हो जाएगा 8 × 100/12, 9 में से एक जाएगा तो 8। अब यहाँ 4 × 3 = 12, 4 × 8, तो 200/3, तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, फिर 2/3, तो 66 सही, 2/3%, तो कौन सा ऑप्शन सही? तीसरा सही, क्लियर है। आइए अगला हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई राशि 4 से 3/4 वर्षों में 8 से 1/2 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा? तो n-1 = पता है कि r(t/100), तो n-1, n का मान दिया गया है कि 8 से 1/2, यानी 17/2 गुना, 17/2 - 1, r(t), r नहीं पता है, t पता है, 4 × 16 = 19 वर्ष, 19/4 वर्ष, तो यहाँ लिख दे 19/4/100। तो अब r बराबर निकालना है, तो यहाँ पर 17
ये माइनस है वन, तो दो वन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 15/2 बराबर आर इंटू ये 19/4, तो 400 हो जाएगा, यहाँ पे 100 का गुणा होगा, तो आर बराबर हो जाएगा ये 15 × 400/2 × 19। अब ये 2 से कटेगा तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 15 × 30 यानी 3000/19 यानी 3000/19 होगा आर का मान। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 19 × 1 = 19, 11 बचेगा, तो 110 हो जाएगा। फिर 19 × 5 = 95, 95 तो 5, 15 बचेगा, फिर 150 हो जाएगा। 19 × 7, 7 × 9 = 63 और 7 × 7 = 6 = 13, तो 133 हो जाएगा। तो 133 बचेगा कितना, 17, तो 17/19%। क्लियर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए, कि यहाँ पर कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दूना हो जाएगा। तो कोई राशि n-1 यानी n के जगह पर 2-1 बराबर 5 × t/100, तो ये तो 1 हो जाएगा, 5 × t/100, तो t बराबर हो जाएगा 100/5, तो ये 20 वर्ष, कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, तो 20 वर्ष, ठीक है। अब अगला देखा जाए, कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। अब अगला देखा जाए, कि कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। तो n-1 बराबर r × t/100 से, अब 11 × 1 = 15 × t/100, तो ये 10 हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 10 × 100/15, तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 200/3, तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 2/3, 66 = 2/3 वर्ष, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा, क्लियर है, लग गया। आइए अगला देखा जाए, तो अगला आप देख रहे हैं कि एक धनराशि 8 × 1/3% वार्षिक ब्याज दर से 16 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी। तो यह देखा जाए कि 16 गुना हो जाता है, तो n-1 = r × t/100 से, यहाँ 16 − 1 r है, 8 × 3 = 24, 1 = 25/3, तो यहाँ पर हम लिख दें 25/3 और गुड़े t नहीं पता है कितने समय के लिए, 2200, तो अब यहाँ पर t बराबर हो जाएगा, ये तो 16 में से 1 जाएगा 15 × 3 × 100/25, यहाँ 25, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, फिर 5 से कट जाए तो ये 20, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, तो ये 180 वर्ष, यानी कौन सा ऑप्शन सही, चौथा ऑप्शन सही है, क्लियर है, बोलिए। चलिए अगला देखा जाए,
एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक राशि जो है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो हम देखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि n-1 बराबर r(t/100, तो हम n1-1/n2-1 बराबर लिखेंगे r1/r2(t1/t2). अब जब इसमें जो है r1 r2 के बराबर होता है, तो n1-1/n2-1 बराबर t1/t2 लिखते हैं, और जब n1-1/n2-1 जब r1 r2 के बराबर होता है, तो यही t1/t2 लिखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुना हो जाएगा। t2 पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले पर रख दें n1-1, तो यहाँ पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 3-1 ठीक है, और 5 गुना पूछ रहा है, तो 5-1 इंटू 5, और t1 दिया है 5 वर्ष, t2 पूछ रहा है, तो t2 यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ पे चलना है, t2 आ जाएगा, तो 5 गुड़े ये 4/2, ये 3 में से जाएगा 2, 2 × 4, 2 × 5 = 10, यानी कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो यहाँ पर देखेंगे 10 वर्ष, कौन सा ऑप्शन सही है, 30, सी सही है, तीसरा ठीक है। चलिए अगला देखा जाए, एक राशि है कोई जो साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुना हो जाता है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3% की दर से 4 गुना हो जाता है, वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुना हो जाएगा उतने ही समय में। जब समय नहीं दिया है, तो समय यानी इसका मतलब n1-1/n2-1 बराबर r1/r2, तो n1 माइनस हम देखेंगे, तो n1 कितना गुना, 4 गुना, तो 4-1, n2 कितना गुना, 7 गुना, 7-1, और r1 कितना दिया है, 3, r2 पूछा जा रहा है, तो r2 बराबर हो जाएगा 3 × 6, ये 7 में से जाएगा 6, 3 × 6 यहाँ होगा, अपान 4 में से 1 जाएगा, तो 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो r2 बराबर कितना आ गया, 6%, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे, कि दिया गया है कोई राशि जो है 3 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब n1-1/n2-1 बराबर t1/t2, n1 दिया है 5 गुना, तो 5-1 10 गुना, तो 10-1, t1 दिया है 3 वर्ष, तो t2 पूछा गया है, तो t2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 × 9, ये 9 इधर आ जाएगा, और बटे ये 4, तो 9 × 3 = 27/4, 27/4 वर्ष। इसका मतलब ये है कि 27/4 वर्ष, तो 4 से भाग दे दें, यहाँ पर 4 × 6 = 24, और 3/4 वर्ष। तो अब देखेंगे कि यह कहाँ, ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो यह जो है हम देख रहे हैं कि यह पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला नंबर हम देखेंगे, कोई धनराशि 4 से 1/2 वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है, वह किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है
कि आर वन दिया गया है चार सही एक बट्टा दो प्रतिशत, चार दुना के आठ एक नौ बट्टा दो प्रतिशत, और एन वन दिया है कितना, एन वन दिया है दस गुना, वह किस दर से आर टू पूछा गया है तीन गुनी यानी एन टू बराबर तीन, तो एन वन माइनस वन अपान एन टू माइनस वन बराबर आर वन अपान आर टू। तो हम एन वन के स्थान पर रखेंगे, इसमें एन वन है कितना दस गुना, तो दस माइनस एक, एन टू कितना थ्री माइनस वन, आर वन कितना तो नौ बट्टा दो, तो आर टू पूछा गया है तो आर टू बराबर हो जाएगा, अब ये तीन में से एक जाएगा तो दो, दो का गुणा हो जाएगा इसमें, तो नौ बट दो गुणे नौ बट्टा दो, और ये दस आ जाएगा नीचे, दस में से एक जाएगा तो नौ नीचे हो जाएगा, तो ये दो दो कैंसिल, नौ से नौ कैंसिल, दो से दो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा एक, यानी एक प्रतिशत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है, आइए अगला देखा जाए। कहा जा रहा है कि कोई धन कितने समय में दूनी हो जाएगी जबकि वह पांच वर्षों में आठ गुनी हो जाती है, यानी एन वन माइनस वन अपान एन टू माइनस वन बराबर टी वन अपान टी टू से एन वन का मान दिया है कि एन वन का मान दूनी हो जाएगी, तो यानी दो गुना पूछ रहा है, तो टू माइनस वन और एन टू आठ, तो आठ माइनस एक, आर टी वन पूछा जा रहा है, टी टू दिया है पांच वर्ष, तो टी वन बराबर हो जाएगा ये एक गुड़े पांच, दो में से एक जाएगा एक, इसका गुड़ा इसमें करेंगे पांच बटा आठ में से एक जाएगा सात, तो पांच बटा सात वर्ष, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही। अब अगला देखेंगे, कि कोई धन किस दर से छह गुनी हो जाएगी जबकि वह 6.25% वार्षिक दर से चार गुनी हो जाती है, तो एन वन माइनस वन अपान एन टू माइनस वन बराबर, ठीक है, आर वन अपान आर टू, एन वन कितना है तो एन वन छह गुना छह माइनस एक, एन टू कितना चार गुना तो चार माइनस एक, आर वन पूछा गया है आर टू दिया है 6.25, ठीक है, तो आर वन बराबर हो जाएगा ये पांच, तो पांच गुड़े 6.25 बटे ये चार में से एक जाएगा तीन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो इसी तरह छोड़ देंगे, पांच से गुणा कर दें, पांच पांचे 25 और पांच दुना के 10 दो 12, पांच छ के 30 और एक 31, तो ये 31.25 बटा कितना तीन। अब इसमें हम भाग दे दें तो ये अगर 100 से अगर हम गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये नीचे हो जाएगा 300, ये दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे 25 से काट दें तो 25 से कट जाएगा, क्यों तो 25 से कटेगा, 25 से कम 25 और बचेगा 50, 50 दुना के 25 दुना के 50, ये 25 से काट दें, 25 से कम 25, यहाँ बचेगा 6, 62, फिर 25 दुना के 50, 25 दुना के 50 12, फिर 25, 5, 125, तो 125 बटा कितना 12। अब 12 से भाग दे दें इसमें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर और तो किसी से कटेगा नहीं, तो 12 से भाग दे दिया जाए, 12 है कम 12, ठीक है, तो 0 और 5 बटा 12, तो 10 सही 5 बटा 12 प्रतिशत। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्लियर है, आइए अगला हम देखेंगे। यदि एक राशि तीन वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया जाता है,
4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता, तो वह राशि क्या होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले R1 दिया है 4% और R2 दिया है 5.5% और 3 वर्ष T बराबर दिया है 3 वर्ष, तो ये 3 वर्ष में ही 4 से 5.5% होने में कितना रुपया, 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में मिलता है। कितना मिलता है? 1800। इसका मतलब कि I बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100 से यहीं पर हम जो ये 4 से अधिक हुआ है 5.5, तो ये कितना अधिक हुआ, तो या तो R2 - R1 कर देंगे तो 1.5 अधिक है, तो 1.5 रख देंगे, तो P गुणे 1.5 और T की जगह पर रखेंगे 3 वर्ष अपान 100 और I की जगह पर 1800, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा 1800 × 100 / 1.5 × 3। अब अगर यहाँ पर 1.5 है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये 1 0 बढ़ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर हम 3 से काट दें, 3 × 6 = 18। अब यहाँ 6 हो जाएगा, 15 × 6 = 60, 40, 40 का गुणा कर दें तो ये 40,000 हो जाएगा। कितना? 40,000। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? तो C दिया है। क्लियर है? लग गया? आइए अगला देखा जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपया कम प्राप्त होता, वह राशि क्या थी। यानी कह रहा है कि जो ब्याज के रूप में मिलता है वो 196 रुपया कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्योंकि दर कम है। जब दर कम है तो ब्याज भी कम मिलेगा 2 वर्षों के लिए। तो फिर वही फार्मूला हम लगा दें, I = P × R × T/100 से, तो यहाँ पर P ज्ञात करना है और R कितना अधिक है, तो 4.6 से 3.2 कम है ना, तो 0.6 कम है, तो यहाँ 0.6 लिखेंगे, ठीक है। और इंटू टी 2 वर्ष बटा कितना, 100, और I के जगह पर 196, तो P बराबर हो जाएगा 196 × 100 और पूरे का बटा हो जाएगा 0.6 × 2। तो अब यहाँ पर 0.6 है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा कि 196 × 1000 और पूरे का बट्टा हो जाएगा 12। तो ये 12 से भाग दे दें तो 12 × 12 7 बचेगा और 76, तो 12 × 76 हो जाएगा, तो 12 × 6 = 72। क्यों? 12 × 6 = 72। बचेगा कितना? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P की वैल्यू 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं, तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 16 है, ये 1000 है, तो अब यहाँ पर 12 × 12 = 7 76 / 6 = 72 = 4 = 40, तो इसमें से 0 40, 40 में 12 से भाग, 12 × 3 = 36, फिर 40, 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36, 3 × 3, यानी इतना रुपया होगा जो इसमें नहीं दिया गया है। हम देख लें फिर से, कम हो रहा है ना कि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपया कम मिलता, तो I की जगह पर 196 P ज्ञात करना है
और 0.6 कम है यानी 3.6 में 0.6 जोड़ दें तो ये 4.2। अच्छा यहाँ पे 4.6 लिखा हुआ है। अच्छा हमने देखा कि जो है यहाँ गलत हो गया है, आप बना लीजिएगा कि 4.6 और 3.2 में जब अंतर करेंगे तो अंतर यहाँ पे आएगा 4.6 में 3.2 का जो अंतर करेंगे तो ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा यानी 1.4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.4, ठीक है, यहाँ 1.4 लिखेंगे आर के जगह पर। तो जब 1.4 लिखेंगे तब आप देखिए कि यहाँ पे पी बराबर हो जाएगा 196 × 100 बटा ये हो जाएगा 1.4 × 2। अब यहाँ पे 10 से गुणा कर दें ऊपर और नीचे तो ये 14 हो जाएगा, 14 से कटेगा तो 14 बार में, फिर 2 × 7 = 14 तो यहाँ पे 7 हो गया तो 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7000 दिया है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है, क्लियर है। आइए अगला देखिए, तो अगला हम लोग देख रहे हैं कि कोई धनराशि 2.5 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया गया, यदि दर 2.25% अधिक होता तो 450 रुपया ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता, वह राशि क्या है? ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। आइए, कोई धनराशि 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर दिया जाता है और कह रहा है कि 2.25% अधिक होता है, यानी डेल्टा जो आर है वो दिया है 2.25% अधिक होता है तो 450 रुपया ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता है, यानी डेल्टा जो आई है वो 450 रुपया कह रहा है। तो हमें पता है कि डेल्टा आई बराबर पी इंटू डेल्टा आर इंटू इंटू टी अपान 100, इसी में रख दें तो डेल्टा आई के जगह पर 450 है और पी ज्ञात करना है, डेल्टा आर है 2.25 है और टी दिया है 2.5 वर्ष यानी 5/2 वर्ष / 100। अब यहाँ से हम पी का मान अगर निकालें तो पी बराबर हो जाएगा 450 × 100 × 2 और बटा हो जाएगा 2.25 × 5। अब नीचे ऊपर 100 से गुणा कर दें ताकि नीचे का ये दशमलव हट जाए, तो अब ये हो जाएगा, ये कटेगा तो ये हट जाएगा तो ये जो है 100 हट जाएगा, 225 दुना के 450, ये 5 दुना के 10, 2 दुना के 4 दुना के 8, 8 का गुणा 100 में हो जाए तो ये हो जाएगा 2.450, अब ये 5 × 10 और ये है 200, तो 2 × 4 × 8, क्लियर है, तो ये कितना आ गया 800, कितना आ गया 800। फिर से समझिए, 450 रुपया अधिक के रूप में मिल रहा है तो अब यहाँ पर 450 रुपया अधिक के रूप में मिल रहा है तो 450 × 10 यहाँ पर P गुड़े 2.25 × 5/100 × 2 यहाँ 450, तो ये और ये और ये तो गुणा हो जाएगा 450 × 450 × यहाँ 100 था तो 8000 हो जाएगा, 8000, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, क्लियर है। आइए अगला देखा जाए, मैंने कुछ रुपया 3 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया, यदि मैं 3.1% कम दर पर लगाया होता तो मुझे 232.5 रुपया कम प्राप्त होता, वह राशि क्या थी? तो आइए देखेंगे कि कह रहा है कि डेल्टा आर बराबर 3.1% और डेल्टा आई बराबर 232.50, ठीक है,
तो वह राशि कितना होगा जबकि टी बराबर 3 वर्ष। तो यहाँ पर डेल्टा आई बराबर पी इंटू डेल्टा आर इंटू टी अपान 100 से यहाँ पर हम देखेंगे डेल्टा आई का मान दिया है 232.5, ठीक है, बराबर पी पूछा गया है डेल्टा आर दिया है 3.1 और टी दिया है 3/100, तो पी बराबर हो जाएगा 232.5 × 100 और पूरे का बट्टा हो जाएगा 3.1 × 3। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर 10 से नीचे ऊपर गुणा कर दें ताकि ये पॉइंट हट जाए। तो अब ये सॉल्व करेंगे 3 से काट दिया जाए, ऊपर ये पॉइंट है तो ये जब 0 हटेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 हट जाएगा, तो हटा देते हैं। अब ये 31 हो गया। अब यहाँ पर 3 से काट देते हैं इसमें, तो ये 3 से कटेगा, देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 5, 12 3 से कट जाएगा, काट देते हैं। 3, 7, 21 बचेगा 2, 22 3, 7, 21 1, 5, 3, 5, 15 ठीक है। अब यहाँ पर 775, अब यहाँ पे है 31 से अगर ये कट जाता है तो हम काट देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि 31 से 25 और 25 × 3 = 75 ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 25 का गुणा कर दें 100 में तो ये हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500, अर्थात ये 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन सही, ठीक है। अगला नंबर हम लोग देखेंगे, आइए देखा जाए अगला नंबर कि कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 5 वर्षों में 700 रुपया हो जाता है, ठीक है। कोई राशि जो है 3 वर्षों में T1 = 3 वर्षों में 3 साधारण ब्याज पर 500 रुपया, A1 दिया है 500, तथा 5 वर्षों में T2 = 5 वर्षों में यह A2 = दिया है 700 हो जाता है, ठीक है। तो मूलधन क्या है, मूलधन पूछा जा रहा है, तो चलिए हमें पता है कि मिश्र धन A = होता है P+I, I का मान रखते हैं P × R × T/100, ठीक है। तो A का मान दिया है कितना 500 और P+P × R, आर नहीं पता है कि किस दर से, तो आर इंटू टी, टी दिया है 3 वर्ष अपान 100, दूसरा है कि 700 हो जाता है पी प्लस कितने 5 वर्षों में, तो पी इंटू आर इंटू 5/100। अब इसको हम घटा दें, ठीक है, तो ये 700 में से 500 जाएगा तो कितना आएगा -200, ठीक है, और यहाँ पर पी पी कट जाएगा और यहाँ पी इंटू आर अपान 100 हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर 3 - 5 तो -2 तो -, कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि पी इंटू आर अपान 100 गुड़े, अब यहाँ 5 में 3 जाएगा 2 = 200 है, तो P × R/100 = हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये P × R/100 यहाँ पर जो दिया गया है P × R/100 ये यहाँ पर हम रख दें कितना 100, तो 100 रख देंगे, तो अब देखिए यहीं से कि ये 500 है या इसमें रख दें बराबर P+P × R/100 के जगह पर 100 रख दें और गुणे 3 रख दें, तो P के स्थान पर हो जाएगा 500 - 300 तो ये कितना हो जाएगा 200, तो P बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, क्लियर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही, चौथा ऑप्शन सही, क्लियर। इस तरह आप आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए अगला देखा जाए,
कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपया हो जाता है, यानी 2 वर्षों में T1 दिया है, 2 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है, A1 बराबर 900, ठीक है। और 4 वर्षों में T2 बराबर 4 वर्षों में कितना हो जाता है, A2 बराबर 1200। पुनः उसी तरह सॉल्व करेंगे, वह धन क्या होगा। तो आइए हम देखेंगे कि यहाँ पर A1 यानी 900 बराबर लिखें P प्लस P इंटू R इंटू 2 वर्ष 2/100, और यहाँ पे 1200 बराबर P प्लस P इंटू R 100 और इंटू यहाँ पर कितने वर्ष, 4 वर्ष, तो 4 लिख देते हैं, तो घटा देंगे तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 1200 में से 900 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 300, ये तो 300 हो गया बराबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि P इंटू R 100 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो P इंटू R 100 बराबर हो जाएगा ये 150। अब हम क्या करें कि इसी में रख दें, तो 900 बराबर P प्लस इसके स्थान पर 150 और गुणे 2, तो ये 300 हो जाएगा, तो P बराबर 900 माइनस 300 बराबर 600, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, क्लियर है। अगला आप देखिए, एक मूलधन 2.5 वर्षों में 600 रुपया, 1/2 वर्षों में 900 रुपया हो जाता है, ठीक है। 2.5 वर्षों में 600 और 1/2 वर्षों में 900 हो जाता है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर दोनों ही ज्ञात करना है, मूलधन भी ज्ञात करना है और साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है। तो आइए देखा जाए, दिया जा रहा है कि 2.5 वर्षों में, पहली बात कि 600 बराबर लिखेंगे P प्लस P इंटू R 100 इंटू 2/5/2, अच्छा ये 900 बराबर लिखेंगे P प्लस P इंटू R 100 और यहाँ पे 5/10 = 11/2, तो अब घटा दें अगर, तो ये तो P कैंसिल हो जाएगा, 900 में से 600 घट जाएगा तो 300 हो गया, तो ये 300 हो गया, ये P इंटू R 100, तो यहाँ पे 11/2 और ये 5/2, 11/2 में से 5/2 जाएगा तो 6/2, यानी ये आ गया 3, तो P इंटू R अपान जो 100 आएगा वो आ जाएगा 3, तो ये 100 आ गया। अब इसी में रख दिया जाए तो P इंटू R बाई 100 के जगह पर 100 रख दें, तो ये देखिए यहाँ पे है कितना, 600 बराबर P प्लस यहाँ पे तो हो जाएगा 100 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा 250, तो P बराबर 600 माइनस 250, तो ये आ जाएगा 350, ठीक है। तो पहली बात कि 350 आ गया, तो मूलधन तो 350 हो गया, वार्षिक दर क्या होगा, तो वार्षिक दर R पूछा जा रहा है, तो अब जब P पता हो गया कि 350 है और हमें पता है कि P इंटू R 100 बराबर है कितना, 100, तो यहाँ पर P के जगह पर 350 रख दिया जाए, तो 350 गुणे R बराबर ये हो जाएगा 10,000, तो R बराबर हो जाएगा 10,000/350, ठीक है, तो 350, तो ये 0,0 कैंसिल। अब यहाँ भाग दे दें तो 5 से कट जाएगा, 5/7 = 35, ये 5/10 = 200, तो 200 में 7 से भाग दे देते हैं, तो कितना जाएगा, R का मान आ जाएगा 7/14, 6, 60, 7/8 = 56, 4/7, 28 सही, 4/7, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला दर, और इसमें मूलधन नहीं दिया है, मूलधन 350 होगा, मूलधन भी पूछा है, क्लियर है, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। आइए अगला देखा जाए,
तो आप देख रहे हैं दिया है 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर दो वर्षों में 680 रुपये हो जाता है। यानी P दिया है 500, A दिया है 680 दो वर्षों में, P बराबर दो वर्षों में, ठीक है। जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितना रुपया हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दर 2% बढ़ा देते तो 680 तो A है ही, तो हम 680 लिखेंगे ही और प्लस 500 का 2% से 2 वर्ष का और ब्याज जोड़ देते हैं इसमें, तो अब नया जो मिश्रण हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 20, तो 680 और प्लस 20 बराबर हो जाएगा कितना, 700। यानी अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने साधारण ब्याज से संबंधित आसान आसान प्रश्न पे ही चर्चा किए हैं, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्नों पे हमने चर्चा नहीं किया और इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले दिन पुनः हम इसी समय पर मिलेंगे। आप जो भी परिचित में हैं, जो अभी नहीं क्लास कर रहे हैं, उनको भी आप सूचित कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, ताकि जो है अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस भी कर लें और न्यूमेरिकल भी आपके सामने आ जाए, और बिना कलम और कॉपी का आप वीडियो न खोलकर पढ़िए। आप जब भी बैठिए तो पूरी तरह से फुर्सत में होकर कि नहीं हमको 1 घंटे की क्लास करनी है, तभी आप बैठिए, ताकि मजा आए पढ़ने में, तभी आप सीखोगे और आपका रिवीजन होगा। आपको रिवीजन ही करना है। नए लोग जो भी हैं तो उन्हीं के लिए स्लो में हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि जो नए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो अच्छी तरह से जान लें, इसीलिए बेसिक चीज बताया जा रहा है, ठीक है। कल पुनः लेकर आएंगे कुछ और न्यूमेरिकल के साथ, और संडे को स्पेशल हम बता चुके हैं आपसे, फिजिक्स का भी टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और जो है मैथ का भी टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। मैथ और फिजिक्स का टेस्ट पेपर संडे को सॉल्व करेंगे, टाइमिंग कल बता देंगे, कल हम टाइमिंग बता देंगे। क्लियर है। तो नमस्कार दोस्तों।